नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु हेम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी से। आज मेरे साथ हैं प्रवीण जी जो कि दिल्ली से आए हैं। इन्हें डायबिटिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी और इनको प्रोटीन यूरिया भी रहता था। तो आइए जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद। नमस्कार। हाँ जी सर, आप कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद? डॉक्टर साहब, मेरे को 25 साल से शुगर है, ब्लड प्रेशर है और मैं दुनिया दिल्ली के सब डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। दवाइयाँ बहुत खाई मैंने, फिर हार के मैं डॉक्टर विश्वास चौधरी का इलाज गूगल पे देख के करना शुरू करा और मैं इंजेक्शन लगाता था, इंसुलिन सवेरे लगाता था 20, रात को लगाता था 16। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब तो कहते थे कि आप है ना इंसुलिन मत लगाओ, लेकिन डर के मारे मैं इंजेक्शन जरूर लेता था। मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं 16 तारीख को आया हूँ। जब सब लोगों ने बताया कि भाई हिम्स हॉस्पिटल पे यहाँ पर चले जाओ, तो मैं यहाँ पर आया, अपनी मिसेज को भी लेके आया। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ा काम तो मेरा ये हुआ कि मेरा इंजेक्शन छूट गया। अभी तक मैंने 5-4 दिन के अंदर इंजेक्शन नहीं लिया। भगवान की दया से शुगर भी मेरी नॉर्मल आ रही है, जैसी आती थी पहले 120-125 वही आ रही है बिना इंजेक्शन के। और मेरे को जो प्रोटीन लूज करता था और मेरे यूरिन के अंदर खूब झाग आते थे, वो आज 4 दिन से झाग एक भी नहीं आया है। अब क्या पता प्रोटीन ख़त्म हो गया, नहीं निकल रहा इसलिए झाग नहीं आ रहा। ये तो डॉक्टर हिमांशु जी की हिम्मत है कि जो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी हैं और मेरा जो ट्रीटमेंट थेरेपी करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे को इंजेक्शन छुड़वा दिया है। मेरे जो यूरिन में झाग आ रहे थे कई साल से, वो इस वक्त बंद है फिलहाल मेरे। यहाँ पे कौन कौन सी आपकी थेरेपीज हुई हैं? मेन मेरी एक तो पोटली मसाज हुई है, एक सबसे ज़्यादा तो बाथ टब के अंदर जो मैं लेटता हूँ वो है, पोटली मसाज है और पंचकर्मा, एक पंचकर्मा वगैरह जो होती है वो मसाज जाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आशा यही करते हैं कि आगे भी आप स्वस्थ रहेंगे। ये जो यहाँ का थेरेपी है और जो भी आपको डाइट वगैरह का बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।